अच्छा जी, जर्मनी से एक बहुत खुशी की खबर आई है। वो तमाम भाई जो जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी अब आप लोग मूव कर सकते हो, वो भी बगैर किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर किसी जॉब ऑफर लेटर के। जी हाँ, जर्मनी लेके आया आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम। स्पेशली मेरे वो दोस्त जो टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट्स पे मुझसे पूछते थे, सर कि हमें जर्मनी के बारे में गाइड किया जाए, जर्मनी हम लोग जाना चाहते हैं, तो जर्मनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे ढूंढा जाए या जर्मनी का जॉब सीकिंग वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए। तो अब आप लोग जर्मनी जा सकते हो, वो भी बगैर किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के और बगैर किसी जॉब ऑफर लेटर के। क्योंकि जॉब सीकिंग वीज़ा में क्या होता था ना कि उसमें एक तो आपको गारंटी के तौर पे अच्छी खासी अमाउंट ब्लॉक करके जर्मनी के किसी बैंक अकाउंट में रखनी पड़ती थी, और प्लस आप लोगों को फिर भी 6 महीने का वीज़ा मिलता था, और उस 6 महीने में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको अपने कंट्री वापस जाना पड़ता था। तो ऐसे में जो लोग आते थे पाकिस्तान से इंडिया से, उनका 10-20 लाख का नुकसान हो जाता था। और जॉब सीकिंग वीज़ा में क्या होता था कि आप जब जर्मनी आ जाते थे तो आपको काम की इजाज़त नहीं होती थी, आप सिर्फ और सिर्फ जॉब सर्च कर सकते थे, और जब आपको जॉब मिल जाती थी तो आप अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट को लेके जब इमिग्रेशन में जाते थे तो आप अपना वीज़ा चेंज कर लेते थे। जो आपका स्टेटस होता था जॉब सीकिंग का, जॉब सीकर का स्टेटस आप चेंज कर लेते थे जर्मनी के वर्क परमिट के अंदर, लेकिन उसके अंदर जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर आपको काम अलाउ नहीं होता था, आप काम उस पर कर नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ आप काम सर्च कर सकते थे। लेकिन अब जो जर्मनी प्रोग्राम लेके आया, इसमें आप लोग ना सिर्फ जर्मनी में आकर जॉब सर्च कर सकते हो बल्कि आप जर्मनी में काम भी कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। जर्मनी का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूं कि ये नॉर्मली आपको 1 साल का मिलेगा। पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हो, इंडिया से ही आपको 1 साल का मिलेगा, और यहाँ आने के बाद ये मज़ीद 1 साल का एक्सटेंड हो जाता है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाता है तो यहाँ आके आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर जॉब भी कर सकते हो, प्लस आप जॉब फाइंड भी कर सकते हो, जॉब सर्च भी कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तो तब आपको ये कार्ड मिलेगा। अच्छा फ्रेंड, जर्मनी का जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये एक्चुअल में पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे रखा गया, जैसे कि कनाडा की आपको पता है कि अगर आपको PR चाहिए होती है तो वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, तो आपका जब वो पॉइंट सिस्टम उनके थ्रेशोल्ड में फुलफिल हो जाता है तो आप कनाडा के PR अप्लाई करते हो और आपको कनाडा के PR एक्सेस एंट्री के द्वारा मिल जाती है। इसी तरीके से जर्मनी का ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसके पॉइंट्स रखे गए हैं। ओवरऑल आप ये समझ लें कि 12-13 पॉइंट्स हैं, उनमें से 6 पॉइंट भी अगर आपके हो तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो अब आ जाते हैं पॉइंट्स की तरफ, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या आपके पास ये पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे अगर आपके पास किसी न किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, डिग्री हो या डिप्लोमा कोई भी चीज़ हो, अगर आपने अपने कंट्री से कर रखा है डिप्लोमा या डिग्री, या आपने जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी से कर रखा है कोई ना कोई डिप्लोमा या कोई ना कोई आपके पास कोई किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो आपको उसके मिलेंगे 4 पॉइंट्स। सबसे पहले 4 पॉइंट इस चीज़ के हो गए। अब उसके बाद जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस के। अगर आपने पिछले पास्ट में आपके 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस, तो इस चीज़ के आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास पिछले 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर उबूर हासिल है, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B2 का सर्टिफिकेट है तो उसको मिलेंगे आपको 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 तक का आपका स्कोर बन रहा है जर्मन लैंग्वेज के अंदर तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेंगे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पॉइंट। अगर आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी है तो आपको उसका मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आपका स्पाउस है और वो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर, यानी कि उसकी भी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो भी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकता है, तो अगर आप दोनों इकट्ठा अप्लाई करते हो अपॉर्चुनिटी कार्ड तो आप दोनों को उसका 1-1 पॉइंट मिलेगा, आपके स्पाउस को भी और आपको भी उसका 1-1 पॉइंट मिलेगा। तो 1 पॉइंट इसका हो गया। उसके बाद 1 पॉइंट आ जाता है अगर आप पिछले 6 महीने से जर्मनी में लीगल स्टे की हुई हो तो उस चीज़ का आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो इस तरीके से ये कुल मिला के कोई 12-13 पॉइंट होते हैं। तो अगर आप इनमें से 6 पॉइंट भी फुलफ़िल कर लेते हो या आपके पास 6 पॉइंट हैं तो आप जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हो, और जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर आप आगे जर्मनी में काम भी कर सकते हो और जर्मनी में आप काम सर्च भी कर सकते हो। तो अभी जर्मन गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से बिल पास किया है, अब इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना बाकी है। जैसे ही इसके ऊपर इंप्लीमेंट की डेट आ जाती है उसी वक्त मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट लगा दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक भी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड अब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जो जर्मनी या यूरोप में मूव होना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी, और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।